हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी यहाँ पधार चुके हैं। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। चूँकि हमारी परंपरा है दीप प्रज्वलन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। साथ ही साथ में हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री राज विसारिया जी से भी अनुरोध करती हूं कि सर इस शुभ कार्य में अपना आशीर्वाद हम सबको ज़रूर दें। आप सबके जोरदार तालियां, तालियों में इतनी कंजूसी मत करिए। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के लिए पूरा आयोजन किया गया है और दीप प्रज्वलन सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है, जिसके माध्यम से हम हमेशा ये कामना करते हैं कि हमारे मन के अंधकार को खत्म हो और रोशनी हमें मिले, गति प्रदान हो। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी। हम सब की ओर से ये पुष्पगुच्छ सा प्रेम आपको भेंट कर रहे हैं। अनुरोध करती हूँ कि अंग वस्त्र पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत सम्मान करें। इसके साथ ही हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राज विसारिया जी यहाँ मौजूद हैं, आपको भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान करें। ये हम सब की ओर से सब प्रेम आपको भेंट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव के इस पुनीत कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय जिनको काफ़ी कहाँ कर चले गए हमारे विशिष्ट अतिथि जी बैठ गए क्या सर आदरणीय विसारिया जी 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 बहुत बहुत उनका सम्मान अभिनंदन। आदरणीय मुकेश जी यहाँ मौजूद जिला पंचायत फिरोजाबाद के अध्यक्ष इंजीनियर सुमित प्रताप सिंह जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष इंजीनियर अतुल जी, लखनऊ की धरती से हमारे देश की आन बान शान अवध के बहुत बहुत सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी का बहुत बहुत हृदय से इस पुनीत और अभिनंदनीय कार्यक्रम पर, आपकी आन बान शान के इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत की मान्यताओं में और ख़ासकर अगर उत्तर प्रदेश का नाम लें, उस स्टेट का नाम लें जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये प्रदेश, दुनिया का
छठा ऐसा देश मान सकते हैं जिसकी आबादी के दृष्टि से छठा देश सबसे बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश कहा जा सकता है। और उस पर भी उत्तर प्रदेश की वो धरती जो अवध के तहजीब के नाम से जानी जाती है, लखनऊ की वो धरती जो अवध की तहजीब के लिए पूरे विश्व में अलग से जानी जाती हो, ऐसी धरती पर हमारे विभाग के द्वारा अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी मान्यताओं परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमारे कलाकारों के मार्फत पहुंचाने का कार्य लगातार हमारी पहुंचाने का कार्य लगातार हमारी संस्कृति को जिंदा और नए स्वरूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये हम लोगों का एक सौभाग्य है कि आज देश में और प्रदेश में वो सरकारें हैं जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए, आपकी पुरानी परंपराओं के लिए, आपकी पुरानी मान्यताओं को सजीव करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं, पुरातत्व जो धरोहर हैं, उनको भी हम लोग संरक्षित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सजीव करने का प्रयास हमारा विभाग विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से करने का प्रयास कर रहा है। 17 से पहले जो स्थितियां थीं, परिस्थितियां थीं, उनको हम सब लोग जानते हैं कि तमाम वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी जो हमारी संस्कृति को निश्चित रूप से बहुत बड़ा आघात था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ावा दे करके हमारी परंपराओं को और हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को, हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय कह सकते हैं। आप सब स्वयं महसूस भी करते होंगे कि दिल से, मन से आज लगता है कि हमारी वो परंपराएं, हमारा वो धर्म, हमारा वो आध्यात्म, हमारी वो मान्यताएं, परंपराएं गांव और देहात की पुनः जीवित करने का प्रयास बेहतर तरीके से हो पा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कोई लंबी तकरीर और भाषण नहीं करने आया हूं। अभी एक बैठक में हमारा कार्यक्रम अभी भी बना, मुझे अंतिम क्षण में बताया गया कि चलिए समापन का कार्यक्रम में चलना है। लेकिन मुझे जो खुशी है कि इस कार्यक्रम में बैठे हुए तमाम वो बुद्धिजीवी लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिनका भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में भी, आने वाले वक्त में भी आप लोग अपना योगदान इस महती पुण्य कार्य में जरूर देते रहें, जिससे हमारे कलाकारों का, हमारे साहित्य प्रेमियों का, हमारी धर्मावलंबियों का और हमारी जो मान्यता परंपरा उनको बढ़ाने का काम पूरा हो सके। मैं इस अवसर पर आप तो लोगों को यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग शहरी और गांव के बीच की कल्चर को भी कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास जरूर करें। कहीं ना कहीं हम लोग विभाजित होते जा रहे हैं, हमारे गांव की चाहे वैवाहिक अवसरों पर, विभिन्न अवसरों पर जो परंपराएं थी, हम आधुनिकीकरण में इतना बहल जा रहे हैं कि उनको विलुप्त होते देख रहे हैं। तमाम रस्में, तमाम वो कार्यक्रम ऐसे हुआ करते थे जो सामाजिक समरसता को, सामाजिक एकता को, भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करते थे। लेकिन आज हम लोग सिमट रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे परिवार, हमारा समाज कहीं ना कहीं एकात्मक की ओर जा रहा है, परिवारों में विखंडन हो रहा है। परिवारों में पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, तीन तीन पीढ़ी के परिवार के लोग एक साथ एक छत के नीचे जीवन यापन करते थे, भले ही वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते थे लेकिन सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से उनका मनोबल इतना ऊंचा होता था कि कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं
कि छोटे छोटे विषयों को लेकर जिसमें सबसे ज़्यादा विषय होते हैं आर्थिक, छोटी छोटी चीज़ों को बंटवारे को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम परिवार में झगड़ करके पति और पत्नी तक और अपने बच्चों तक अपने को सीमित करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इसमें कहीं ना कहीं एक बार पुनः अवलोकन करने का काम करें। एक बार यदि हम लोगों ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को जरा भी अपने में एडॉप्ट करने का काम कर लिया, अपने में धारण करने का काम कर लिया, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत कुछ आगे बढ़ सकती हैं। उन सामाजिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए एक सबसे बड़ा माध्यम है कि हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय अवधारणाओं को और अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़े नहीं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को खुशहाली भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, वैचारिक एकता बनेगी और आपसी पारिवारिक झगड़ों में भी कहीं ना कहीं भ्रम लगने का काम हो सकेगा। हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से हमारे जो लोक कलाकार हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक समरसता और भाईचारा बनने का एक बहुत अच्छा संदेश हमेशा देश को जाता है, इनको भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। हमारी संस्थाएं निश्चित रूप से इस पर अपना काम करेंगी। हम ये भी आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में हालांकि हम लोगों ने 25 को शपथ लिए कर रात को ही हम लोगों को इसका दायित्व मिला है, हम आपको आश्वस्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए और आपके बीच जो भी अपेक्षित कार्य हैं, अपेक्षित धारणाएँ, अपेक्षित जो व्यवस्थाओं में कमी आपको दिखाई पड़े हमको जरूर बताएंगे। हम आपको प्रयास करेंगे कि ऐसी अव्यवस्थाओं को दूर करके और बेहतरी की ओर पर्यटन और संस्कृति विभाग को आगे ले जा करके आपके बीच में सामाजिक समरसता, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता का जो सपना भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर कर रही हैं, इनको मजबूती करने का सिंबल आप देने का काम करेंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आपकी मूल जो भारतीय संस्कृति है, मूल जो भावनाएं हैं और परंपरागत ट्रेडिशनल वो विचार, वो मान्यताएं जिनको हम खोते जा रहे हैं, जिनके कारण सामाजिक रूप से काफ़ी विकृतियां हमारे बीच आई हैं, उनको भी दूर करने में, उनको व्यवस्थित करने में हमारा विभाग, दोनों विभाग, चाहे पर्यटन का हो या संस्कृति का हो, आपसे सरोकार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब हम नए युग की शुरुआत, नए कार्य की शुरुआत करने का आपको वचन देते हैं। ये भी आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग अब एक नई दिशा में, पॉजिटिव दिशा में आपके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिसमें आपका भी अपेक्षित सहयोग हम चाहेंगे कि हमारे जो भी कलाकार हैं, हमारे जो भी अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनका भी आप लोगों को सहयोग अपेक्षित रहेगा। मैं पुनः इन अवध की नगरी की आपकी उपस्थिति को, जिसमें आप लोग बहुतात में आए हैं, सभी बुद्धिजीवियों को, पत्रकार साथियों को और प्रबुद्धजनों को, जिनका सहयोग, जिनका आशीर्वाद इन संस्थाओं को मिलता है, इन कार्यक्रमों को मिलता है, इन कलाकारों को मिलता है, उनको अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए ये उम्मीद करूँगा कि अब हम आप एक दूसरे के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश को पुरानी परंपराओं, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सजोने का काम करेंगे। हमें भारतीय संस्कृति को नया सिंबल देने का काम करेंगे। भारतीय जो हम लोगों की कमियां आ गई हैं, विकृतियां आ गई, उनको दूर करने का काम करेंगे। पुनः आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की सफलता की बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मां शक्ति को भी नमन और प्रणाम करते हुए, क्यों भारत में हमेशा मानता रही है कि नारी शक्ति को सर्वोपरि सम्मान देने का काम किया गया है। भारत में नारियों को वो सम्मान दिया गया जो दुनिया में किसी देश में नहीं देखने को मिलता है। अगर हमें बुद्धि और विवेक की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर हमें धन की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी के बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर युद्ध में भी या शक्ति की जरूरत पड़ी है तब तब माँ दुर्गा के बिना कभी वो पूरा सपना नहीं होता है। अगर हम लोगों ने भगवान कृष्ण को भी कभी प्रसन्न किया है
तो राधे राधे बोलना ही पड़ा है। अब भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए भी सीता राम बोलने का काम किया है। सीता का नाम पहले आया है, भगवान राम का नाम बाद में लिया है, तभी भगवान प्रसन्न हुए हैं। ऐसी माँ शक्ति को भी बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों का बहुत बहुत अभिवादन देते हुए आप सबको सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।